वैसे पूजा जी, इस हृदय परिवर्तन की वजह बताना पसंद करेंगी? है मैं कुछ भी भूल सकती हूँ, लेकिन नरेन ने मेरी ही आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी। ये मेरी नजर के सामने से जाता ही नहीं। और एक बहन जिसने अपने भाई का अंतिम संस्कार तक न किया, वो और क्या करेगी? चलिए दिया आपको नरेन, आपको उसे जैसे मारना है जब मारना है आपकी मर्जी। ये पूजा जी, ये गिव एंड टेक का जमाना है। बदले में हमें क्या मिलेगा? आप मुझे नरेन लौटा दीजिए और बदले में मैं आपको ये सारे पासपोर्ट्स लौटा दूं, ताकि आप सबको लंदन ले जाकर स्वर्ग पहुंचा सकें। अब ये मत पूछेगा कि मुझे सब कैसे पता। परिवार से पहले और परिवार से ज्यादा मैं आपको पहचानती हूँ अंगराज बाबा। तभी तो मुखौटे के उस पार भी आपको पहचान लिया। पूजा जी, लेकिन हम आपको पहचान कैसे नहीं पाए? जानती हूँ कि मुझ पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन अंगराज बाबू, होने वाली नेता हूं अंगराज जी। अगर आपकी पोल खोलनी ही होती तो आपको पकड़कर एक डीएनए टेस्ट करवाना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं थी। पूजा जी, आप तो हमें दीवाना करके मानेगी, लेकिन अगर हमने आपकी बात नहीं मानी और अपने सौतेले भाई के फोटो पर आज ही हार चढ़ा दिया तो? तो चढ़ा दीजिए हार, लेकिन फिर आप जो फूलों का हार मेरे गले में डालना चाहते हैं, वो मौका तो आपको मिलने से रहा। पूजा जी, पूजा जी, इतनी मोनी शक्ल के पीछे इतना कमीनापन, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारी मोहब्बत आपके लिए और दीवानी हो जाएगी। आप जैसा दीवाना जिसे मिल जाए वो तो ना आप देखे ना ता, ना सही की परवाह करे ना गलत, उसे और क्या चाहिए? आपके दीवानेपन के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट।
बापू, एक बात कहूं, एक बेकसूर को इस तरह तड़पाकर हम गलत काम कर रहे हैं, अम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या करेगी तेरी अम्मा है? क्या करेगी और कहां से करेगी? ऊपर स्वर्ग से। याद है मुझसे छुपा कर तुझे डॉक्टर नहीं बनाया, तो उसे स्वर्ग जाना पड़ा। याद है ना वो रात जब मैंने हथौड़े से मार मार के उसका सर चूर कर दिया था? और हाँ, तुझे अपना सर बचाना है ना, तो अपने काम पर ध्यान दे। काम पे लड़के का छाप ले आकर आ। ताकि उसे हम जल्द से जल्द ठिकाने लगा सकें। आपने हमें एक निशानी दी, अब एक भेंट हम आपको देना चाहते हैं। अगली बार जब भी आपके मांग में वो लाल रंग भरे, तो वो हमारे सौतेले भाई का नहीं, हमारे नाम का। तो देर किस बात की, निकलवा लीजिए मुहूर्त। वहां नरेन को मैंने अपने हाथों से रिहा किया और यहां आपने मुझे लाल रंग दिया। जब हमें इतना अपना मान ही लिया है, तो हमारे पीछे दीवार क्यों पूजा जी? आज रात को अपने प्यार का नजराना दे ही दीजिए। इतने सालों से जो जिस मिलन की रात के लिए आप तरसाती आई हैं, आज हमें सौगात में दे ही दीजिए। क्या हुआ पूजा जी, अब किस बात की हिचक पूजा जी? कहीं आपके मन ने इरादा बदल तो नहीं दिया? इरादे तो पक्के हैं अंगराज बाबू, और वो पूरे भी होंगे। क्या हुआ अंगराज बाबू, कहीं आपके मन में इरादा तो नहीं बदल लिया? अब तो मौत ही इरादा बदल सकती है पूजा जी। अब जाइए, सजिए सवारी, एकदम एकदम दुल्हन की तरह तैयार हुई। इस कमरे को भी एकदम एकदम दुल्हन की तरह सजाऊंगा मैं। इतने सालों से इस रात का इंतजार किया है, इसे तो मैं यादगार बनाऊंगा। आपकी पूजा को अंगराज हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मेरा पूरा परिवार मुझसे नाराज, लेकिन आप सब और नरेन की हिफाजत के लिए मुझे मेरे आंसू छिपाने होंगे।
आप जहां कहीं भी हैं नरेन, मैं आपको ढूंढ लूंगी। मैं जो कहने वाली हूं उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक सच है, अंग्रेज सिर्फ जिंदा ही नहीं, हम सबके बीच है, वो भी नरेन का चेहरा लेकर। बहुत भरोसा करके तुम्हें सब बता रही हूं, क्या तुम मेरा और नरेन का साथ दोगे? मैं आखिरी सांस तक मैं आपके और नरेन सर का साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन हम नरेन सर तक पहुंचेंगे कैसे? I'm sure नरेन अंगराज के ही कैद में, राहुल और सुरभि वो भी अंगराज से मिले हुए हैं। नरेन तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों पर नजर रखनी होगी। डोंट वरी मैम, अब मेरी नजर सिर्फ इन तीनों पर रहेगी, और वैसे भी जब तक आप हैं नरेन सर को कुछ नहीं हो सकता। उस लड़की की परछाई भी इस घर के लिए मनहूस है। आपकी बहू पूजा का 2 हफ्ते बाद शपथ ग्रहण समारोह है, उसी का इनवाइट देने आई। माफ कीजिए शैलजा जी, मेरे घर के गार्ड्स आपको गेट पर रोकते नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि आपका जब जी चाहे मुंह उठाए मेरे घर में घुसी चली आए। मैं यहाँ मिस्टर व्यास से मिलने आई। नरेन आपसे नहीं मिलेगा, और वैसे भी नरेन घर पर नहीं है। आई बिलीव इस घर में हरीश जी और नरेन बाबू के अलावा भी लोग रहते हैं। ऋषिकेश में काशीनाथ व्यास का बहुत मान, आप आपकी बहू पूजा के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे तो उस समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। शैलजा जी, हमारी बहू ने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए आना तो पड़ेगा। आप हमारी बहू से कह दीजिए कि न सिर्फ दादाजी बल्कि उनके ससुराल के सारे सदस्य जरूर आएंगे। आप सबका इंतजार रहेगा। जीते रहो। की निशानी चाहिए, पत्नी पति को इतनी बेरहमी से पिटवा रही है, फिर भी पति का प्यार कम नहीं हो रहा, कमाल है। ले ले। तुम्हारी बीबी हमारी नई मुख्यमंत्री पूजा देवी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हारी ये हालात करने के लिए। लगता है पूजा इसी खिड़की से भागी।
पूजा तुम कहाँ थी? बस यही। ये सब क्या है सुरभि? ये सब नरेन ने खास तुम्हारे लिए भेजा, एक नई शुरुआत के लिए। आप जाइए, सजिए सवारी, एकदम एकदम दुल्हन की तरह तैयार हूँ। इतने सालों से इस रात का इंतजार किया है, इसे तो मैं यादगार बनाऊंगा। सुरभि, इस सब की क्या जरूरत थी? कम ऑन पूजा, नरेन इतने दिल से सब कुछ भुलाकर पहले जैसा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, और तुम हो के उसके प्यार को एक्सेप्ट करने की जगह सवाल पे सवाल कर रही हो। ये सब छोड़ो, ये लो केसर वाला शरबत, नरेन ने खास तुम्हारे लिए बनाया और मुझे कहा है कि जब तक ये शरबत का ग्लास खत्म नहीं हो जाता मैं कमरे के बाहर ना आऊं। सुरभि, मैं ये बाद में पी लूंगी। अरे बाद में क्यों, अभी पियो। और वैसे भी आज मेरा नरेन की दो बातें सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो प्लीज फटाफट से पी लो। नहीं सुरभि, मैं ये पूजा, ये ड्रिंक अंगराज की रात और भी हसीन बना देगी। अब तुम फटाफट से रेडी हो जाओ। यू नो पूजा, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास है। ऑल द बेस्ट। दिमाग खराब कर रखा है शोर मचा मचा कर, इससे तुम्हें बाबा अगर ये मर गए तो अंगराज सर का काम अधूरा रह जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास इन्हें शांत करने की दवाई है। ये इंजेक्शन लगते ही नरेन जी होश में रहेंगे, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं होगी। इससे अपना काम भी हो जाएगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। बाबा अब आप इन्हें खोल सकते हैं, ये कमरे से भाग नहीं पाएगा। मैं फिंगरप्रिंट्स लेने की तैयारी शुरू करती हूँ। भाई आपका काम तो हो गया। बस कुछ देर और, भाभी जी भी गाएंगे झूम 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 बाबा, और उसके बाद बस तुम और वो और बस तुम। फाइनली बहुत इंतजार कराया आपने पूजा जी। तो ये भी अच्छी बात हुई ना भाई, इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि भाभी जी खुद अपने हाथों से नरेन को मारना चाहती, और उनकी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे।